गाइस, मैं हूं अमित और भाई आज हम लोग खेलने वाले हैं क्रिकेट। लेकिन भाई आज हमारे पास में है ये हैं लेजी रीडर ग्लासेस। और भाई इनको पहनते ही ऐसे देखना पड़ता है। गाइस मुझे जो है आप वहां दिख रहे हो, मतलब मैं अपने हाथ से जो है बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ। मेरा जो फेस है, मेरी जो आईज है, वो आपको देख रही है। अजीब सा लग रहा होगा ना। तो गाइस रीजन यहाँ पर ये है कि ये जो चश्मा है, ये जो लाइट आती है उसको 90 डिग्रीज पर भेज देता है। और आपको अजीब सा लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा है, आपको अजीब सा लग रहा होगा कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, लेकिन मुझे तो आप दिख रहे हो यहाँ पर। और हो सकता है आपको मेरी आईज भी दिख रही होंगी इसमें। दिख रही है? हाँ। तो यहाँ पर जो है भाई, ये पहन करके आज हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, सब कुछ 90 डिग्री पर दिखेगा। और भाई साहब मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा बड़ा ही मज़ेदार होगा। देखने वाली बात होगी कि क्या ये पहन के क्रिकेट खेलना इतना सा भी पॉसिबल है या नहीं है, और कितना मज़ा आएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा दीजिए। गाइज आपको एक बार इस लेंस का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये एक नॉर्मल चश्मा है, लेकिन यहाँ पर आकर के बदल जाता है। यहाँ पर इसमें नॉर्मल कोई लेंस नहीं है, कोई नॉर्मल यहाँ पर ग्लास नहीं है। यहाँ पर एक प्रिज्म लगी हुई है, और ये जो प्रिज्म है आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से जो लाइट जाती है उसको यहाँ भेजती है, यानी कि लाइट को 90 डिग्रीज पर रोटेट कर देती है, जिससे कि हमको, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे नीचे की चीज़ दिखती है, अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे सामने की चीज़ दिखती है। 90 डिग्रीज पर जो अपना व्यू है वो बदल जाता है। एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पर आपको कैमरा के अंदर दिख रहा होगा 90 डिग्रीज नीचे का नज़ारा, ठीक है? अब मैं दिख रहा हूँ आपको, अब आपको नीचे ज़मीन दिख रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे काम करता है। और मैं ही ऐसा नहीं करूँगा, हमारे पास में 5 पेयर्स हैं, तो 5 लोग यहाँ पर लगा कर देखेंगे। बेसिकली जो बॉलर है वो भी लगाएगा, बॉलर के अलावा विकेट कीपर भी लगाएगा, और स्लिप में जो खिलाड़ी खड़े होंगे और जो फील्डर होंगे वो भी ये लगाएंगे, और फिर देखते हैं कि कितना मजा आता है। भाई साहब दोस्तों, खेलने से पहले आपको बताना चाहूंगा बहुत ही कमाल की स्पोर्ट्स फैंटेसी है माई 11 सर्कल के बारे में, क्योंकि भाई इंडियन T20 लीग 2021 चल रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप अपनी क्रिकेट की नॉलेज का यूज करके करोड़ों में जीत सकते हैं। दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर आप लेजेंड जैसे कि VVS लक्ष्मण, रहाणे, दादा, इनके साथ में खेल सकते हैं। और अब तो माई 11 सर्कल पर रणवीर सिंह भी आ गए हैं, और अगर आप लक्ष्मण सर को बीट करते हैं तो आपकी जो विनिंग्स है वो 5 गुना हो जाएंगी। आपकी जो विनिंग्स है वो सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। खेलना बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको दोनों टीम में से 11 खिलाड़ी चुन करके अपनी एक टीम बनानी है। और दोस्तों यहां पर आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा। और दोस्तों खास बात यहां पर ये है कि आपको सिर्फ 1 रुपए चाहिए फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए। कई लोग करोड़पति बन चुके हैं माई 11 सर्कल को यूज करके। और अगर आप हमारे लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में है वहां से डाउनलोड करते हैं तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। तो भाई फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड अभी कर लीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिली एट योर ओन रिस्क। तो गाइस पांचों लोग तैयार है यहाँ पर खेलने के लिए, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ है कि सबसे पहले कौन खेलेगा। तो भैया उसके लिए क्या करे, वही अपना कौन सा वाला, आ जाओ इल्ली दुल्ली तिल्ली कर लेते हैं। यार 5 लोग हो गए यार, ऐसे तो गड़बड़ है। नंबरिंग करें, चल गाइस नंबरिंग पता होगा आपको, इल्ली दुल्ली तिल्ली नहीं कर रहे हम, ठीक है? ये किसका, ये तेरा, ये किसका, ओ चुप रहो, ये राहुल का, ये किसका, सच्ची का, क्या ये किसका, ये मेरा। कितना आराम से मांगा है, ये मेरा। तू 5 नंबर पे है, फर्स्ट पे कौन है, राहुल फर्स्ट पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है? लो भाई ओपनर आ जाओ। तो गाइज अब देखने वाली बात ये होगी कैसे हम इससे खेल पाते हैं यार, क्योंकि ये लगाने के बाद में दुनिया 90 डिग्री पे हो जाती है, ऐसे ऐसे चलना पड़ता है। अबे स्टंप्स भी नहीं दिख रहे मेरे को, कहां पर है ये रे
और इस बैट्समैन की हालत देखो एक बार एक बार ओए मैं तो इधर आना एक बार इधर आ राहुल, एक बार क्रीज पे खड़ा होना, इधर आ जा राहुल, एक बार क्रीज पे खड़ा होना। अबे हो तो सही गया, देख 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 हिट विकेट हो जाएगा, थोड़ा आगे खड़ा हो जा और आगे हो जा, थोड़ा और हो जा, ठीक है गाइस, कुछ भी हवा नहीं लग रही, बॉल कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है दिखती जरूर है। अबे यार ऐसे गर्दन में दर्द हो गया ऐसे। चलो 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 बढ़िया, कवन कवन चला चला। यही मत रखे, सामने सामने फेंको कंप्लीट। चल ओवर हो गया। अरे तो बोल रहा है, मैं थोड़ी बोला हूं, एम्पायर ने बोला है। चलो सेकंड कौन है? अरे यार अब ठीक है, अरे इधर है, उधर हो। हाँ अब ठीक है। अरे भाई ऐसे करते घूम जाता है सब कुछ। ओ चले, मैं फास्ट बॉल कर रहा हूँ क्या? आ रहा हूँ भाई। ओए कहाँ है बॉल, कहाँ है? ओ ओ ओ मत से, ओए आउट है, आउट है, चलो आउट है, चलो 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 भाई, स्टंप उड़ा था, स्टंप उड़ा था अभी, स्टंप उड़ा था अभी, एम्पायर ने आउट दिया है। चलो यार एम भाई एम्पायर आईसीआईसीआईसीआईसीआई है, लाओ पहली बार बैटमैन अपील, एक बॉल फर्स्ट बॉल पे विकेट। चलो भाई अब मैं तो आउट नहीं है, अरे आउट है भाई, यार एम्पायर दे दिया, थर्ड एम्पायर, थर्ड एम्पायर करो एम्पायर मोड दे। क्या हुआ, विकेट है क्या? कहे की नो बॉल है भैया, ऊपर से गई है सर के ऊपर से। जब मैं जब अपने हाथ फ्रेम में होते हैं ना तब दिखता है कि कहां पर बॉल है भाई, आराम से दे दे। आ रहा हूं मैं, ठीक है इस बार कोशिश करूंगा बढ़िया से कराने की। गाइस कुछ है ना यार, कुछ अंदाजा ही नहीं लगता किसी भी तरीके का, करें क्या, मतलब हाथ से जो बॉल छूटती है ऐसे देखते रहते हैं ना तो ऊपर ही जा रही है फिर वो। चलो इस बार ट्राई करता हूँ, दिमाग लगा के फेंकता हूँ थोड़ा। चलो अरे कम ऑन तो है, पर जाती तो कहीं पे ही है बॉल। लो क्या हुआ, आउट है, चलो आउट है, वो एम्पायर दे चुका आउट। चलो भाई सारी फुल टॉस क्यों जा रही है, बढ़िया बढ़िया कैच अच्छा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाओ बॉल तो दे दो यार, गर्दन में दर्द हो गया। तेज नीचे लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। मेरा नंबर मेरे बाद आएगा, ओए खिलौना भाई, अबे क्या है भाई, जानते नो बॉल नहीं जानते यार, सीधी लाइन पे रखनी है बॉल, ठीक है सर, फोड़ दूं क्या चल रहा है,
सर छोड़ दो ये, चलो चलो। क्या क्या गाइस, ये सच्ची इतना ज्यादा अजीब है, इतना ज्यादा अजीब है मैं बता नहीं सकता। एक तो ऐसे ऊपर देखो, फिर ऐसे, मतलब कि कोई सवाल ही नहीं है, कुछ कुछ भी अंदाजा हमको लगेगा उस चीज का। आ जा धीरे भाई, स्लो भाई, स्लो। अरे ये बॉल कहाँ से आई है? बॉलर चेंज तो ऐसा लगता है हाथ अपने आप ही ऊपर जाता, मेरी सारी बॉल फुल टॉस आ रही थी। अच्छी बॉल। किसने कहा आउट है? एम्पायर। ना ना ना, एम्पायर आईसी 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 आउट भाई, आउट आईसी से आया है। एम्पायर जब से हम लोग आए हैं आउट आउट दे रहा सबको। ना भैया आउट नहीं, मैं यार एक बॉल हुई है मेरी बस। क्या हुआ, क्या हुआ है? तो है आउट है। अबे क्या हुआ है? आउट। अरे वो एम्पायर झूठ बोलता है हर बार। उठाओ उठाओ, एम्पायर झूठ बोलता है। खिलाड़ी इंजर्ड। चलो चलो इतने भी नहीं लगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मजा इतना आ गया पूछो मत। अबे यार कल तक मैं खेल कर आऊंगा और मैं स्लिप में लगूंगा अभी। ओ ये वाइड है। आउट है। देख गिल्ली बिखर गई। कहाँ गई बॉल? हैं? कहाँ आउट है? ओए, वो नो बॉल थी। वो मैं बॉलर को देख रहा था, वो स्टंप्स में घुस गया था। बॉलर आउट। भाई भाई मेरी गलती नहीं है, बॉलर एम्पायर मारा। बॉलर जो है, बॉलर जो है वो स्टंप्स में घुस गया, तो मैं आउट थोड़ी ना होऊंगा यार। तो बॉलर आउट कैसे होता है? एम्पायर दोनों का आउट। आक्रमण। तो गाइस यहाँ पर भाई साहब ये लेजी रीडर्स लाग रहे खेलना जो है, सच्ची में साफ साफ शब्दों में कहूँ तो भैया दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब वो इतना ही पॉसिबल है जो आपके सामने हुआ है। बढ़िया से खेलना या बॉल को देख करके उसको हिट करना इम्पॉसिबल है, जब तक हैविली प्रैक्टिस नहीं कर ली जाए। अगर कोई इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले तो हो सकता है भाई वो खेल भी ले। ऐसे तो एक नए आदमी के लिए तो भाई साहब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। समस्या एक प्रॉब्लम ये भी अब हो रखी है, अबे ठीक है नीचे देख लो, दिक्कत ये भी अब हो रखी है कि सबकी गर्दन ऐसे थी बहुत देर से, क्योंकि ऐसे देखने के लिए ऐसे देखना पड़ेगा, तो अब जो है गर्दन में काफ़ी दर्द होने लग गया। लेकिन यार मज़ा बहुत आया आज के इस वीडियो में, और सच्ची में मतलब एक डिफरेंट चीज़ हमने ट्राई करी कि यार क्या इफ दिस इज़ पॉसिबल और नॉट। और ये जो है हमने आपको खेल करके भी दिखाया कि किस हद तक हम खेल सकते हैं। और गाइस आपको सच्ची बताऊं तो वैसे तो ये जो लेजी रीडर ग्लासेस है ये काम आते हैं
आलसी आदमी होगा, इसका नाम ही लेजी रीडर है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लगा लें, लेट जाएं और फिर ऐसे फ़ोन चलाएं या पढ़ाई करें, जैसे बुक रख ले सामने, तो वो सही दिखता है। लेकिन हमने तो क्रिकेट खेल के देखा, तो भाई साहब हमें तो आया बहुत मज़ा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है माई 11 सर्कल का, फटाफट से कर लीजिए डाउनलोड, 20% एक्स्ट्रा कैश को भूल मत जाना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। चलो।